गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रिय श्रोतागण, मैं डॉक्टर अभिषेक तिवारी आज जिस शख्सियत से आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ वो फार्मेसी क्षेत्र में ऐसे मुकाम पर हैं कि हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज मैं फार्मेसी के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर मोहम्मद अली सर, जिन्होंने अपना बमूल समय दिया है, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो सर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में फार्मेसी का एक संस्थान है। फिर भी मैं आप सब लोगों के समक्ष सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखने जा रहा हूँ। मोहम्मद अली सर का जन्म 5 जुलाई 1947 कुरीखेड़ा गाजियाबाद यूपी में हुआ। सर ने एमएससी 1972 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। देन सर ने पीएचडी इन 1976 फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डीएससी इन 1997 इन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन फ्रॉम ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलंबो से किया। सर ने बहुत सारे जॉब रोल्स लाइक सर हैज वर्कड एज अ लेक्चरर इन केमिस्ट्री इन जामिया हमदर्द इन फ्रॉम 1977 टू 1979। देन सर हैज वर्कड एज अ साइंटिस्ट पूल एंड लेक्चरर हमदर्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी 1979 टू 1982। देन सर हैज वर्कड एज अ साइंटिस्ट बी एंड साइंटिस्ट सी इन सीएसआईआर जम्मू तभी फ्रॉम 1982 टू 1992। वर्कड एज एसोसिएट प्रोफेसर इन जामिया हमदर्द फ्रॉम 1990 टू 1998। एंड सर हैज अ ह्यूज करियर एट अ पोजिशन ऑफ प्रोफेसर इन जामिया हमदर्द एंड वर्कड फ्रॉम 1998 टू 2012। अप्रोक्स 14 ईयर्स ऑफ प्रोफेसरशिप एक्सपीरियंस। देन वेरियस पोजिशन सर हैज अटेंड लाइक सर हैज वर्कड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री इन जामिया हमदर्द फ्रॉम 2002 टू 2005। वर्कड एज द डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी 2010 टू 2012। वर्कड एज एक्टिंग वाइस चांसलर इन जामिया हमदर्द फ्रॉम 2004 टू 2005। सर इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 48 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस एंड 27 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सर हैज मेंबरशिप ऑफ आईपीए बॉम्बे, इंडियन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी सागर, एपीटीआई, एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल्स भोपाल, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल एसोसिएशन मेडिसिन मुंबई, वेरियस मेंबरशिप फ्रॉम यूएसए एंड ICS कोलकाता। देन सर हैज रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सेकेंड नेशनल कन्वेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल नासिक इन 2013, हर्बल अवार्ड इन 1995, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट अवार्ड टू टाइम्स, वन इन 2007 एंड अनदर वन इन 2020, फार्मा रत्न अवार्ड इन 2020, एंड ऑल्सो रिसीव्ड हिंदी अवार्ड फ्रॉम हिंदी विज्ञान परिषद, बाबा एटमिक्स रिसर्च सेंटर बॉम्बे, सेंट्रल सेक्रेटरिएट हिंदी काउंसिल एटसेट्रा, वेरियस अवार्ड सर हैज रिसीव्ड। सर हैज पब्लिश टोटल 17 बुक्स, 7 बुक चैप्टर्स, 723 नेशनल एंड इंटरनेशनल पेपर्स। सर हैज प्रेजेंटेड 205 पेपर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। सर हैज गाइडेड 43 पीएचडी स्टूडेंट्स, पीएच एम फार्म स्टूडेंट्स ऑफ 50। सर हैज फाइल्ड पब्लिश्ड 4 पेटेंट्स एंड सर हैज टोटल साइटेशंस ऑफ 23,609, एच इंडेक्स ऑफ 60, आई इंडेक्स ऑफ 640, एंड सर इज हैविंग
रिसर्च गेट स्कोर ऑफ 35.16। देन सर हैज रिसीव्ड वेरियस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डीएसटी, यूजीसी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च यूनानी मेडिसिन। सो इतना विशाल सर का कैरियर और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। सर से मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर आपने अपने प्रारंभिक शिक्षा और सर आप अपने प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को अगर बता सकें तो ये बहुत अच्छा होगा, प्लीज सर। मेरी इनिशियल बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड, एक यूपी के वेस्टर्न यूपी के गांव में निगरा जिसका का नाम है वहाँ पैदा हुए थे और पास में ही गांव के पास में दूसरा गांव है बम्बावर, वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल और एट्थ क्लास मिडिल क्लास तक स्कूल वहाँ से ज्वाइन किया। उसके बाद में दादरी, हमारे जमाने में तो जिला बुलंदशहर होता था, वो जिला गाजियाबाद है या अम्बेडकर नगर पता नहीं कौन सा है, मैं एक पहले गुजर इंटर कॉलेज था, उसका नाम भी अब बदल गया है। बाद में मैंने दादरी में एक गुजर इंटर कॉलेज था, वहाँ से हाई स्कूल पास किया और हाई स्कूल पास करने के बाद में 1966 में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। उस पीरियड में मेरे फादर एक इंडस्ट्री चलाते थे पुरानी दिल्ली में जमीन गेट के पास में, वो हमारे जाति पर्सनल इंडस्ट्री था, एक टेक्निकल जिसमें सामान बनता था, उसकी सप्लाई दिल्ली के नाम से ही होती थी। अलीगढ़ में जाने के बाद में मैंने वहाँ से प्री मेडिकल कोर्स और बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब कुछ वहीं से कि मैंने पास किया। थैंक यू सर। सर आपने एजुकेशन केमिस्ट्री में कंप्लीट की लेकिन फिर आपने फार्माकोग्नोसी को अपना क्षेत्र विशाल क्षेत्र बनाया। जी 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 सर, तो सर आपने फार्माकोग्नोसी फील्ड ही चुना है, ऐसा आपने क्यों किया, प्लीज इसके बारे में सर बताएं। लेकिन वो टेम्परेरी पोस्ट थी, दो साल बाद में वो पोस्ट खत्म हो गई, तो मैंने दूसरी जगह ट्राई किया। तो उस पीरियड में एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये हमने कभी फार्मेसी पोस्ट निकली, मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। तो उस पीरियड में डॉक्टर जी एस कादिर साहब वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनके साथ में मैंने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। उसी पीरियड में दो साल में काम करने के बाद में देन आई वॉज अपॉइंटेड साइंटिस्ट बी इन द रीजन रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू, आरएल जम्मू में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और मैंने जामिया ये अंदर कॉलेज ऑफ फार्मेसी छोड़ करके मैं आरआरआर जम्मू में मेरा ट्रांसफर हो गया और वहाँ पर मैं साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स तक मैंने वहाँ पर काम किया। इसी पीरियड में जामिया हमदर्द एक यूनिवर्सिटी बन गई थी और
यूनिवर्सिटी बनने के बाद में इनको अपने जो फार्मेसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज में अब वो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी बन गई थी एक यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो उनको वहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज डेवलप करनी थी और फाइटोकेमिस्ट्री में एक फाइटोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी उन्होंने मिलकर के एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में फाइटोकेमिस्ट्री में उनको किसी अच्छे रिसर्चर की एक क्लास थी, उन्होंने मेरे पास में अपने अपॉइंटमेंट फॉर्म भेजा, फिर मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ उसका और मुझे वो एज एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट वहाँ पर मिल गई। उसका असली जो पर्पस था वो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में ये फाइटोकेमिस्ट्री की बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना था, तो उसमें फिर हमने काम शुरू किया। जी सर, आपका पिछले 5 दशकों का सफर आप अपना किस रूप में देखते हैं? मैं एज ए रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हूँ, टीचिंग में तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, मैं एक रिसर्च में ज्यादा इन्वॉल्व रहा और पूरी इंडिया में यहाँ तक कि बाहर के कंट्रीज में भी फाइटोकेमिस्ट्री में जो काम हुआ उस काम में जो स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करनी होती हैं वो मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ और मेरे पास में स्पेशल डेटा आता था, जापान से भी आता था, कोरिया से भी आता था और जो इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से भी मेरे पास में आता था, मैंने किसी को मना नहीं किया और इसी वजह से मेरे पब्लिकेशन भी बढ़ गया। एक मैंने एक ही फील्ड को अडॉप्ट किया वो थी फाइटोकेमिस्ट्री, प्रॉब्लम भी फेस किया उसमें, सॉल्यूशन भी निकाले उनके। अनुभवों को पूरी दुनिया के समक्ष आपने रखा है, भारत में तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से आज पूरे वैश्विक मानसिक मानचित्र में किस स्थिति में है और आप हमें किस क्षेत्र में और प्रगति करने की आवश्यकता है? मेरा इनिशियल जो फाइटोकेमिकल का काम था उस काम में काफ़ी अब मॉडिफिकेशन हो चुके हैं और बहुत सी जगह फाइटोकेमिस्ट्री का काम बंद करके किसी और काम को शुरू कर दिया उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स और क्वालिटी कंट्रोल, लेकिन ये सब बहुत टेक्निकल वर्क है, नॉट ए साइंटिफिक वर्क, लेकिन मेरा जो काम था वो तो मैंने केमिकल कंपाउंड को आइसोलेट करना और उसकी स्पेशल स्टडीज करना वो आज नहीं करता हूँ मैं, अब भी मेरे पास में स्पेशल डेटा आता है सऊदी अरब से आता है, दूसरी यूनिवर्सिटी से आता है, यहाँ पर हम करते रहते हैं उसको, तो उसकी वजह से हम टच भी हैं, रिसर्च फील्ड में टच भी हैं और रिसर्च फील्ड में होने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम इसमें इन्वॉल्व रहें और थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंडिया में भी जिस इंस्टीट्यूट में रिसर्च वर्क अच्छा है वही इंस्टीट्यूट की जो कैटेगरी है वो ये अच्छी है,
अब आज जामिया हमदर्द नंबर वन पर मेन वजह उसकी रिसर्च वर्क ही है। उस लोग कहते हैं कि रिसर्च वर्क एक रूटीन वर्क है, ऐसा नहीं है। रिसर्च वर्क के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। देखिए एक वो मैं बता देता हूँ आपको कि एक बार यूएस में एक पेटेंट लिया था उसके बारे में, बासमती चावल के बारे में, और उस पेटेंट को फिर वैकेट करने के लिए सीएसआर के साइंटिस्ट जो उसमें इन्वॉल्व हुए थे, तो हमें किसी बुक में, अपनी किसी बुक में या रिसर्च पेपर में या रिसर्च के फील्ड में बासमती का नाम ही नहीं मिल रहा था। फिर बाई चांस एन ए अकबरी बुक में बासमती चावल मिला, तो उसके बेस पर सीएसआर के साइंटिस्ट ने उसके खिलाफ केस किया और फिर वो वैकेंट खाली करवाया। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, और जितने भी एकेडमिक फील्ड में वो अपने रिसर्च वर्क में जरूर इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हम अपने कंट्री को, अपने इंस्टीट्यूट को और अपने कंट्री के आपको बाहर के फॉरेन कंट्रीज में भी ऊंचा कर सकते। हमारी रिक्वायरमेंट है और इसके लिए हमें जो भी हम कदम उठा सकते हैं उठाना चाहिए। बहुत से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि रिसर्च में अगर हम कोई फैसिलिटी नहीं है, इसमें काम उस पर ही काम शुरू कर दें। एक बार हमारे डिपार्टमेंट में एक क्राइसिस था उसका, केमिकल्स का, केमिकल नहीं मिल रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि बगैर केमिकल के हम काम शुरू करते हैं। तो हमने वाटर लिया, उस वाटर वाले फिर मैं अपना काम शुरू किया। वाटर से हमने हाइड्रो डिस्टिलेशन से वोलाटाइल ऑयल निकाले बहुत ही ड्रग के। उसके बाद में उस जमाने में हमें उसके GCMS कराने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। कई कंट्रीज के साइंटिस्ट से कॉन्टेक्ट किया, स्पेन के एक साइंटिस्ट पर भी हो गए कि हम उसका GCM करा के देंगे। उनके साथ में काम किया और वोलाटाइल ऑयल का GCM की स्टडी करी, उनके केमिकल कंपोजिशन वोलाटाइल ऑयल की निकाली, वो पेपर भी पब्लिश हुए और एक नई फील्ड हमारे लिए डेवलप हो गई जिसमें केमिकल भी नहीं मिलता और उसका हम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी हमने चेक कर लिए। तो इसमें एनिमल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एनिमल एक्सिस कमेटी के पास जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हमने शुरू किया तो उसमें भी हमें काफ़ी कामयाबी मिली और काफ़ी अच्छा उसका स्कोप है, आज भी है उसका। आज भी बहुत से लोग वोलाटाइल ऑयल पर काम कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन निकाल रहे हैं और उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी चेक कर रहे हैं। जी सर, वर्तमान में फार्मेसी के क्षेत्र में जो विस्तार हो रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आजकल तो कॉमर्शियल बेस पर हो रहा है जो विस्तार हो रहा है, और मेरे पास भी कंप्लेंट आती रहती है कि जो इंस्टीट्यूट के जो
इंचार्ज हैं जो ऑर्गेनाइज करें इंस्टीट्यूट को, वो भी PCI की या AICT के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत सी उसमें कमियां हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो पहले के साउथ इंडियन में जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मैं एक दो के नाम लेना चाहूँगा, उसमें एक अल अमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी काफ़ी पुराना कॉलेज है, प्राइवेट है। ऐसी एक बार वहाँ जाना होगा, तमिलनाडु के कॉलेज में उसमें भी काफ़ी अच्छा फील्ड है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है, रिसर्च की भी हैं और टीचिंग की भी हैं। तो साउथ इंडिया में कुछ बहुत लिमिटेड कॉलेज ऐसे हैं जो का बैकग्राउंड जो है या रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ये प्राइवेट कॉलेज अभी खुले हैं 15 साल के अंदर अंदर, और ज़्यादातर तो जो उसको जो बोलने का पर्पस था वो एजुकेशन नहीं कुछ, बल्कि उसमें उसे फाइनेंशियल गेन ज़्यादा था उस कॉलेजों में, उसकी वजह से वो PCI के जो रूल्स रेगुलेशन वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। अभी लोग मेरे पास में लिखते रहते हैं, क्या करें हम इसमें। जी सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 ये जो आ रही है, इसमें फार्मेसी क्षेत्र में किस प्रकार अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकती है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020? एजुकेशन पॉलिसी में कि फार्मेसी में काफ़ी स्कोप है भी, कि वो अपना पर्सनल कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व में बिजनेस भी कर सकते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकते हैं, तो उसमें काफ़ी स्कोप है फार्मेसी फील्ड में। तो पॉलिसी तो खैर बेनिफिट्स के लिए होती हैं, लेकिन उनको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही होना चाहिए। सर, ये हर्बो विजिलेंस एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, ये अपने आप में बहुत बड़े फील्ड हैं, क्या इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं सर? इसमें भी अगर हम होल ऑफ द वर्ल्ड की को सर्वे करें, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं वो उनमें जापानी प्रोडक्ट्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स, कोरिया के प्रोडक्ट्स, इनके बिल्कुल भरमार हैं, उनके दे आर इन एक्सेस एज हेल्थ सप्लीमेंट और दूसरे हर्बल सप्लीमेंट के फील्ड में, और इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ भी नज़र नहीं आते हमें। इसकी वजह ये है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें किस तरीके से हम फॉरेन कंट्रीज में अपने उसका प्लेस उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं वो अभी हम जानते नहीं हैं। एक चाइनीज का जो बिजनेसमैन है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसके सारे एक्सपेक्टेड डेटा, उसकी एक्टिविटी, उसके कल्टीवेशन और क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब साफ लगा के भेजते हैं, और हम ऐसा कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा चीप नहीं है फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है हमारे
जो आयुर्वेदा के हैं, यूनानी के हैं या होम्योपैथिक, वो भी उस पर भी बहुत ज्यादा हम काम नहीं कर रहे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। ये जो हमारे प्लांट प्लांट हर्बल ड्रग्स हैं, इसमें केमिकल कंपाउंड के वेरिएशन बहुत है। मान लीजिए कि हम जिंजर अदरक जो है आसाम से कलेक्ट करते हैं, एक सैंपल हम कालीकट केरला से कलेक्ट करते हैं, एक सैंपल अगर हम पंजाब के लुधियाना या अमृतसर से कलेक्ट करते हैं, एक कश्मीर से कलेक्ट करते हैं, इनके केमिकल प्रोडक्ट में काफ़ी वेरिएशन। और जहाँ केमिकल कंपाउंड में वेरिएशन होगा तो उनकी एक्टिविटी में भी और उनके मेडिसिनल वैल्यू में भी काफ़ी वेरिएशन आएगा। अभी हमने इस पर कभी रिसर्च ही नहीं किया कि कौन से एरिया का, कौन से रीजन का जो मेडिसिन प्लांट है वो किस से, कौन सी डिजीज के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस वेरिएशन के, इस वेरिएशन का भी काम होना चाहिए। सर, जो अभी पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ है, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली अभी छात्रों को संतुष्ट कर पा रहा है, ऐसे समय में किन उपायों से छात्रों को प्रशिक्षित और शिक्षित किया जा सकता है, आपका इस पर क्या सुझाव है सर? टेम्परेरी फेज है और इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग और एजुकेशन के अलावा और कोई अभी दूसरा फील्ड भी नज़र नहीं आ रहा है। वो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम अभी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन जो चल रहा है उसको चलने दें। और इसमें ये कि स्टूडेंट अपने क्लास के बाद में अपने घर पे अपने रेजिडेंस को ही ज़्यादा स्टडी करें तो उससे ठीक, उम्मीद है कि ठीक रहने को ठीक है। सर, फार्मेसी प्रोफेशन में जो कि एकेडमिक इंडस्ट्री, रिसर्च सेंटर, मार्केटिंग, फार्मासिस्ट एवं अन्य क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इंडिया में भी अब दूसरे कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो जो एकेडमिक एकेडमिशियंस हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है इंडस्ट्री पीपल से या मार्केटिंग से, ये सब अलग अलग फील्ड हैं। अगर हमारा जो अगर हम एकेडमिक फील्ड में काम करें, इसके पास लाने के लिए, करीब लाने के लिए, इन सबको मिलाने के लिए, कोऑर्डिनेट कायम करने के लिए पहले भी कई मीटिंग हुई हैं मेरे सामने, मैं भी उनमें शामिल हुआ हूँ। लेकिन जो इंडस्ट्रीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी एकेडमिक प्रॉब्लम से अलग हैं। मेरे पास में अगर वो जो स्टूडेंट है वो मेरा तो इंटेंशन यही रहता है कि मैं उसको ज़्यादा ज़्यादा फील्ड में अपना उसको कुछ नॉलेज दे करके कई जो रिसर्च में उसको आइसोलेशन, स्पेशल डेटा की एनालिसिस, रिएक्टिविटी, जितनी फील्ड में हम उसको ट्रेंड कर सकते हैं हम ट्रेंड करते हैं। लेकिन मार्केटिंग में या इंडस्ट्री में उनको जो मेन बेनिफिट्स है कि किस तरीके से हम एक मेडिसिन को मार्केट से हम ज़्यादा ज़्यादा उसका फायदा उठा सकते हैं। तो हमारी फील्ड एकेडमिक और इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव
ये सब अलग अलग हैं। दोनों में कोऑर्डिनेशन इन प्लेस में कभी अभी तक तो हुआ नहीं है, और हो सकता है थोड़ा बहुत आगे हो जाए। सर, फार्मेसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए सर? फार्मेसी फील्ड में रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ और नई इंडस्ट्री आती है तब भी रोजगार बढ़ेगा। एकेडमिक में अगर कॉलेज नए नए खुल रहे हैं, लेकिन कॉलेज खोल रहे हैं और इंस्पेक्शन के टाइम में अपना पूरा वो अपने कोशिश करते हैं वो इस फैकल्टी मेंबर्स को दिखाने के लिए, उसके बाद में जांच पर्सन खत्म, फैकल्टी मेंबर्स भी खत्म, जो उनको पूरी पे नहीं देते, तो ये प्रॉब्लम तो है। उसके बाद में प्राइवेट में भी जो मार्केटिंग है, हम अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या और मार्केट में और दूसरी फील्ड है जिसमें हम शुरू कर सकते हैं। हम प्लांट कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जी सर। सर, वाई फार्माकोग्नोसी ब्रांच इज ट्रेडिशनली इन अवर सोसाइटी and it is very much accepted also, but now students are not too much interested in post graduation as well as PhD course in pharmacognosy. So sir, aap isme kisko zimmedar mante hain? Isme jo hamari हर्बल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर जो फार्मेसी के एजुकेटेड जो स्टूडेंट हैं उनको वो जॉब नहीं दे पाते हैं, और वो अपने जो उनको थोड़ा ट्रेंड किया जो लोकल हैं उनसे काम चला लेते हैं, तो इसकी वजह से फार्माकोग्नोसी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब मैंने कहीं कर ही रहे हैं काम, कुछ यूनिवर्सिटी में भी हैं, कुछ और दूसरी यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिक में, फॉरेन कंट्रीज में भी हैं, ज़्यादातर तो फॉरेन कंट्रीज में ही हैं सब। सर, आपका अपना इंडस्ट्री का सेटअप रहा है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि हर्बल इंडस्ट्री सेटअप में आप किन किन क्षेत्र में जो है ना, आप मीन्स किस किस टाइप के प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं? ये हर्बल इंडस्ट्री भी को भी ये भी एक इन्वॉल्व होती है उसमें, जैसे अगर हम देखें तो कुछ जो बेसिक जो हमारे ये हमदर्द लेबोरेटरीज है इसका रू अफजा है या सिंकारा है या च्यवनप्राश है, बहुत इसकी सेल, ये प्लांट कंट्रीज में भी उनके इन्वॉल्वमेंट जाते हैं। तो जो आपके डिमांड के ऊपर है कि इसके लिए भी जो मार्केट में जो ड्रग्स तय करते हैं उनको भी पता रहता है कि कौन से ड्रग की ज़्यादा डिमांड है और क्या हमें सप्लाई करना चाहिए। तो डिमांड है इसमें, डिमांड कैसे पैदा करी जाए ये तो चाइना वाले और जापान वाले ज़्यादा जानते हैं, अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज में भी बेच रहे हैं,
सेल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जापान में, चाइना में, जापान, ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज का मार्केट चाइनीज अल्पट्रैक से बिल्कुल भरे पड़े हैं। उनको पता है वहाँ जो भी उनके कमिटमेंट है ट्रक के बारे में वो सही होता है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो इंडिया का कमिटमेंट है ज़्यादा दो उस पर फेत नहीं करते। जी सर, अंतिम क्वेश्चन के जो सर अभी न्यू टीचर्स आ रहे हैं जो कि फार्मेसी में अपना करियर बना रहे हैं और जो यंग रिसर्चर हैं, इनको सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो चाहे फार्मेसी में एकेडमिक लाइन हो या आपके इंडस्ट्री हो, मार्केट हो, मार्केटिंग हो, कोई हो, हर इंसान की जिंदगी में तो सिंसियरिटी और एक सिंसियरिटी है, रेगुलरिटी है, एक दो तीन चीज है, इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें उसमें काफ़ी कामयाबी मिलती है। तो सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने फील्ड में अपने जॉब के लिए कितना सिंसियर हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। अगर हम एकेडमिक में हैं तो क्लास को सही से, तैयारी भी सही से करके जाना चाहिए और हमें तैयारी के साथ साथ जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करना चाहिए ताकि ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो उस इंस्टीट्यूट के लिए उनका अट्रैक्शन बढ़े। फिर उसके प्लेसमेंट, अगर किसी इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट अच्छा है वहाँ भी काफ़ी कोई कमी नहीं हो पा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, मैं आपके लिए मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। फार्मा लोग की तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।